तो कैसा लगा फिर आपको? बहुत अच्छा है। देखा, समझा था, सोचा था कुछ और। हाँ, तो वीकेंड आता है ना, वीकेंड में क्या होता है कि घूमना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप घूम नहीं रहे हो तो आपका जो पिछला जो वीक का जो फ्रस्ट्रेशन था, फिर वो लाइफ, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ में भी आना जरूरी रहता है। तो आज है संडे, तो हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। अचानक से मम्मी ने भी इच्छा जताई और सभी लोग का मन मन में थोड़ा बहुत मूड कर रहा होगा। निहारिका को देख के लग रहा कि निहारिका क्या नहीं करता था, क्या खाना बना के एकदम से यार आज सोंगी आराम से 2-3 घंटे उनका। अरे ये तो यार फिर प्लान बन गया, चलो कोई नहीं। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो फिलहाल बजे हैं दिन के करीब 1, और अचानक से लंच करने के बाद हमारा मूड हुआ कि थोड़ा सोने से अच्छा दिन में अगर सोएंगे ना तो रात में क्या होगा कि नींद नहीं आएगी, फिर अगला वाला मंडे जो होगा ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा अच्छा कि क्यों ना थोड़ा बहुत अपना सैर कर लिया जाए। तो हम लोग रहते हैं इधर लखनऊ में, तो अभी यहाँ बाराबंकी में एक वर्ल्ड का सबसे मतलब पुराना पेड़ है, वर्ल्ड का सबसे पुराना पेड़ है पाइजात का। तो हम लोग जा रहे हैं उसी को देखने के लिए। तो करीब यहाँ से करीब किलोमीटर होगा का 20-30 किलोमीटर दूर होगा। तो हम लोग जा रहे हैं उधर, जो बार पड़ता है बाराबंकी में। आपको भी दिखाते हैं पूरा रास्ता, और साथ में वो विश्व का सबसे प्रसिद्ध पेड़, जो विश्व का सबसे पुराना पेड़ है, मतलब लोग ऐसा बोलते हैं, मेरे को मतलब कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि वो विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पेड़ है पाइजात का। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं फिलहाल। तो आप देख रहे हैं ना, ये शानदार रास्ता है बिल्कुल अयोध्या तक पूरा, हैदराबाद हाईवे, मतलब 115 किलोमीटर का रास्ता पूरा का पूरा ऐसा ही है। कहीं ज़्यादा ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं है रास्ते में, और रास्ता भी काफ़ी अच्छा है। इसी में एक बाईपास कटेगा, तो इस बाईपास से हम लोग को जाना पड़ेगा बाराबंकी, क्योंकि वो हम लोग को ना बाराबंकी उसके लिए जाना ज़रूरी है पाइजात विक्स जाने के। तो ये है पूरी बाराबंकी की मार्केट। तो इसके लिए क्या ना, इसका रास्ता ऐसा है कि बाराबंकी होते ही जाना पड़ेगा। तो हम लोग थोड़ा मतलब या तो सफ़ेदाबाद से डायरेक्ट बाराबंकी वाला रास्ता पकड़ लो लेफ्ट होके, या तो फिर उसी फैजाबाद हाईवे में आगे चलते रहो, एक बाईपास मिलता है, उसी बाईपास से आ जाओ। थोड़ा वो बाईपास क्या हुआ कि मेरे को थोड़ा रिस्की लगा था, कि मैंने कहा बाईपास कहीं पीछे ना छूट गया हो, तो हमने एक कट से हमने लिया। तो फिर भी हम बाराबंकी शहर के अंदर यहाँ आ गए आराम से। तो यह है पूरा बाराबंकी शहर। ऑलमोस्ट आज संडे है, तो सारी दुकानें बंद हैं, मे भी यहाँ संडे को क्लोजिंग होती होगी ऐसा लग रहा है। मार्केट पूरी बंद ही है लगभग। तो अभी क्या है ना कि हम लोग रामनगर से हमने फिर से टर्न मारा हुआ है, राइट टर्न मार के हम लोग अभी एक गांव वाले रास्ते पे चल रहे हैं। चारों ओर खूबसूरत खेत हैं, बहुत पीले सरसों की बसंत ऋतु आ गई है, आपने पिछला ब्लॉग देखा ही होगा। तो पूरा खेत पीला हो रहा है, फील्ड है, कहीं पे गेहूँ लगे हुए हैं तो वहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर सरसों लगी हुई है वहाँ पे पूरे पीले पीले के फूल खिले हुए हैं। सामने का रास्ता देखो आप, कितना खूबसूरत है ये गांव वाला, मतलब कितना गर्मियों के टाइम पे देखो कितना सुखदायक रास्ता होगा, इतना बड़ा छाया रहती होगी रास्ते पर, ये कितना प्यारा है, हर पेड़ ऐसे ऐसे आए हुए।
मतलब बहुत मुश्किल से, क्योंकि ना कहीं पे लिखा नहीं हुआ था क्या बताओ। और कुछ पहले मेरे को बुलाता है कैमरामैन, जैसे कैमरा हाथ लग गया तो हम लोग लता पूछते पास थे, जैसे गांव के अंदर आए तो वहाँ से पूछते पास से पहुँच जाए। तो ये सामने है, मतलब गाड़ी पार्किंग पीछे लगा दी, वहीं पर प्रसाद ले लिया। तो यहाँ पर है पारिजात वृक्ष का पेड़, इधर अंदर जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। निहारिका के पीछे कुत्ता पड़ गया। निहारिका के पीछे कुत्ता पड़ गया, देखो ये। हाँ ये देखो निहारिका के पीछे पड़ गया। अरे अभी तो बैठे हो, उधर बैठो, चलो जाओ बाद में दे देंगे, जाओ जाओ बाद में आके बाहर आके देंगे, पर पता भगवान जी को चला दो। अभी आ रहे हैं हम लोग बाहर से, ठीक है फिर आना। तो आप ये देखिए, ये है पारिजात का वो वृक्ष, कितने साल पुराना अभी है बाबा जी लिखा होगा। तो इस पेड़ पे कुछ ऐसा फूल आता है, ये आप फोटो देख रहे हैं ना, व्हाइट रंग का रहता है, पिंक रंग का, व्हाइट रंग का ये। तो आप मेरे पीछे जो पारिजात का वृक्ष देख रहे हैं, ये है महाभारत के टाइम का, यानी कि आज से 5000 साल पुराना, और ये विश्व का मात्र एकमात्र वृक्ष है पारिजात का, जो यहाँ बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में स्थित है, रामनगर से करीब 12-13 किलोमीटर दूर के गाँव की डिस्टेंस है जहाँ पर ये पेड़ लगा हुआ है। और ये विश्व का सबसे पुराना पेड़ है, और श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में इस पेड़ को यहाँ पर लगाया था। ये पेड़ क्या होता है, 6 महीने बिल्कुल हरा भरा रहता है, 6 महीने इसमें ऐसे पतझड़ रहता है, यानी आज से मतलब 4-5 महीने बाद इसमें वापस फूल आ जाएंगे। व्हाइट कलर का फूल होता है, अभी आपको दिखा दूंगा कि किस कलर का फूल होता है, वहाँ पर किसने फ़ोटो उसकी खींच कर रखी हुई है फूल की, तो उस फूल की फ़ोटो मैं आपको दिखा दूँगा। तो ये यहाँ पर स्थित है, और चारों ओर इसके ऐसा कुछ प्रांगण है ये, और ये है पारिजात का वृक्ष। आप देख सकते हैं कि उसका तना कितना मोटा है और शाखाएँ कितनी मोटी हैं, जब ये हरा भरा रहता होगा तो ये काफ़ी खूबसूरत लगता होगा। तो आपको जब भी मौका मिले तो आप आ सकते हो यहाँ पे देखने के लिए पारिजात वृक्ष। तो कैसा लगा फिर आपको? निहारिका क्या सोच बोली थी, अरे ये तो पाए जाते हुए सब जगह होते हैं, लेकिन जब यहाँ आके इसने ये पेड़ देखा, जब इसने यहाँ आके पेड़ देखा है, और जब बाबा जी ने बताया हुआ है कि ये सिर्फ एकलौता पेड़ है, तब जाके इसे यकीन आया। तो इसने उन पेड़ों से इसको वो किया कि इसके तने कितने मोटे मोटे हैं, शाखाएँ इतनी मोटी मोटी हैं उस पेड़ की, तो ये सब कुछ इसको पता चला। तो फिलहाल हम बाहर जा रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं कुछ गांव के नज़ारे खूबसूरत जब यहाँ से जाएंगे वापस। तो स्टे ट्यून्ड ऑन ब्लॉक। तो अभी देख रहे हो ना आप शानदार नज़ारा, बिल्कुल ये क्या मस्त गांव है। ये देखो शाम को अभी सूरज अस्त होने वाला है, खेत देखो आप कितने जबरदस्त हैं, ये पूरे खेत के इतने चारों ओर सरसों लगी हुई है, इस साइड गेहूँ है, तो अभी सरसों वाला में आप देख लो ना कितना जबरदस्त दिखाई देगा, मतलब मज़ा है। गाँव के अंदर ना गाड़ी चला के मतलब तेज़ चलाने में उतना मज़ा नहीं आता, हल्के हल्के चलाओ, एक तो खैर आबादी भी होती है तो तेज़ चलानी भी नहीं चाहिए, कभी कुत्ता आता है, कभी बच्चा आता है, कभी भैंस, कभी कुछ तो, लेकिन यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अगर लेते हुए जाओगे ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो गाँव वालों से भी कभी मैं तो बात कर लेता हूँ गाड़ी रोक के ही। तो पूरे गाँव के रास्ते निकलते हुए हम लोग सफदरगंज से आ गए हैं वापस फैजाबाद हाईवे पर, अभी हम लोग को बाराबंकी तक 14 किलोमीटर और जाना है रास्ते पे। तो कार से हमने सफर स्टार्ट किया था और कार पे ख़त्म कर देते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर आपका मन हुआ पारिजात वृक्ष घूमने जरूर देखिएगा, बहुत पुराना पेड़ है, बहुत अलग टाइप का पेड़ है, और मेरे ख्याल से आप लोग जुलाई अगस्त टाइम पे आना तो आपको शायद फूल भी दिख जाएंगे, क्योंकि 6 महीने बच्चा रहता है, 6 महीने उसमें फूल आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।